जाता है ना। हाँ, खा पी के आराम से थोड़ा सो ले, कौन पड़ेगा इतना, है ना। पॉलिनोमियल था, राइट अंकल। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स बताया था, और रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया था। मेरा वॉल्यूम, आवाज क्लियर है? ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? यस सर। रिलेशन बिटवीन क्वाड्रेटिक क्लास में भी बताया था, ऑफलाइन क्लास में भी बताया था। अगर ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यानी ए नॉट इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल रूट्स अल्फा एंड बीटा टू जीरोस। क्या बताया था सम ऑफ द जीरोस? क्या बताया था? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या बताया था? माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ये तो हम लोग किए थे। जीरो माइनस बी बाई, माइनस बी क्या है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। माइनस बी तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ए इज द लीडिंग टर्म हियर, है ना। तो ये दिया गया था, राइट। अब इसका ही कुछ क्वेश्चंस करें, जैसे एक क्वेश्चन तुम्हारा दिया गया है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल करके एक दिया गया है। तो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए इसको इरेज करें, कल ही हुआ था, ऑफलाइन क्लास में हुआ था, इरेज करते। यस सर, हो गया था। इसका प्रूफ भी करवा दिया था, कैसे आया था, आया था ना, जैसे ये हो रहा है वो भी यस करवा सर। दिया था। मान लो एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स प्लस 10। क्लास 7 एक्स प्लस 10 इसका जीरोस फाइंड आउट करना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। इसका जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे ना, इसको जीरो फाइंड आउट करने के लिए हम इसको फैक्टराइज करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्लास 8 में जैसे किया। 10 into 1 that is 10 होता है। पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव तो दोनों को जोड़ के कोफिशिएंट ऑफ एक्स आना चाहिए, तो 5x आ गया, 5 + 2 ये दोनों से x कॉमन लेंगे, x + 5 ये दोनों से 2 कॉमन लेंगे, x + 5 तो x + 5 इज कॉमन बाइनोमियल। टेस्ट, राइट। आप देखो ये जो जीरो, जीरो मतलब क्या है, जीरो मतलब द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। सो क्या बता लिख बोलो, जीरो मतलब क्या बताया था, वैल्यू फॉर विच पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। पॉलीनोमियल में आई है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, कैसे तो होगा ये एक्स प्लस 5 इनटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एक्स प्लस 5 0 होगा और एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू -2 सीरियस। तो
इसका दो जीरो क्या क्या है, therefore alpha plus beta equals to minus 5 plus minus 2, that is minus 7, है ना? And yes sir. B by A क्या हो जाएगा? Minus B by A. देखो, B का वैल्यू यहाँ पे 7. माइनस 7 बाय 1 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स माइनस बी बाय ए आ रहा है. यस सर. अल्फा बीटा इक्वल्स माइनस फाइव इनटू माइनस इट इज प्लस 3 अल्फा बीटा प्लस सी बाय ए इक्वल्स क्या है, सी का वैल्यू देखो यहां पे 10 देखो दोनों डेट आ रहा है तो अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए तो इनके सर का नाम पता है, बड़ी अजीब सा है, मैट वाई सर है, इनका नाम क्या है? हो गया यस सर, हो गया. अब तो तुम्हारा एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस इसे दिया गया है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, ऐसे करके दिया गया है ना, फोर स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस दिया गया है. मान लो क्वेश्चन नंबर 2 में बता दे रहा हूँ, 1 का 2, इसको इरेंज करें. यस सर. हाँ लिख लो सर. इसमें क्यूबिक भी बनाना है सर. क्यूबिक भी है, क्यूबिक पहले क्वाड्रेटिक कर लो उसके बाद क्यूबिक बता देंगे, है ना, स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम. अगर डायरेक्टली क्यूब में जाएंगे पहले क्वाड्रेटिक कर लेते हैं उसके बाद क्यूबिक में जाएंगे, उसके बाद आकर और भी बाई क्वाड्रेटिक के लिए भी कुछ होगा तो बताएंगे, एटलीस्ट बता के चले जाएंगे, है तो नहीं लेकिन बता देंगे एटलीस्ट, हां, लेकिन स्टेप बाय स्टेप. ठीक है? यस सर. यस करें इसको. यस सर. जैसे 1 का 2, 2.2 का 1 का 2, इसमें दिया गया है 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो क्या होगा बोलो. क्या होगा टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो पाओगे मिडिल टर्म स्प्लिट क्या हो जाएगा, इसको फैक्टराइज करो बोलो. वो आइडेंटिटी के साथ मैच हो रहा है, देखो ये केस का होल स्क्वायर है 2 इनटू 2a इनटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, लिख सकता हूं a माइनस b का होल स्क्वायर. Yes, very nice. So this will be 2s minus 1 ka whole square. That is 2s minus 1 into 2s minus 1. So, mat zeros kya karta hu? Zeros of this equals to 0. Jo language likhwaya tha wahi. फाइंडिंग जीरोज ऑफ दिस
इन द पॉलिनोमियल बी एक्स इक्वल्स टू जीरो या फिर डी एस इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब टू एस माइनस वन इंटू टू एस माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, दैट इज टू एस माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, टू एस माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, या से एस इक्वल्स टू हाफ या फिर डी एस इक्वल्स टू हाफ, alpha equals to half, beta equals to b half. Alpha plus beta equals to half plus half, मतलब one. One को हम कैसे लिख सकते हैं? And देखो, minus b का ये equals to क्या होगा? Minus of minus four by four, that is one. बोला? Therefore, yes sir. Beta equals to minus b by a. Half beta equals to half into half, that is one fourth, and c by a equals to क्या होगा? देखो c मेरा one है, one और a मेरा four है, तो task क्या हो जा रहा है? Alpha beta equals to c by a. देखो यही तो मुझे दिखाना है, verify करना है. देखो verify हो गया, है ना? Clear? समझ आया? आया ना वो तो बहुत. Yes sir. अब देखो, बहुत सिंपल है. अच्छा, वन का फोर करो तो फोर देखो तो क्या है? वन का फोर में क्या? वन का फोर में जैसे है उसको इरेज करें आप. यस सर. सर वन का फोर में कॉमन लेना पड़ेगा. क्या होगा वो बोलो? फोर क्यू क्या होगा बोलो सर फैक्टराइज करेंगे तो क्या कॉमन होगा टू यू कॉमन जाएगा तो क्या होगा? यू प्लस टू रहेगा. तो यहाँ पे दो जीरो क्या क्या है? For u, u plus 2. ठीक है, u plus 2 equals to 0. यहाँ से क्या आएगा? दूसरा for u equals to 0. यहाँ से आएगा u equals to 0 by 4. That is equal to 0. No. So alpha equals to minus 2. Beta equals to 0. Therefore, alpha plus beta equals to minus 2 plus 0, that is minus 2. And minus b by a equals to kitna hoga? Dekho, yahan pe b by a, b ka value kitna hai beta? B ka value kitna hai? 8. Plus 8. So minus 8 by a ka value? देखो माइनस टू आ रहा है दोनों, प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय थ्री. अल्फा बीटा इक्वल्स टू माइनस टू इनटू जीरो इक्वल्स टू जीरो, एंड सी बाय ए इक्वल्स टू क्या होगा? सी इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे? जीरो. देखो सी इक्वल्स टू यहाँ पे जीरो है. 8 into u plus constant है नहीं, तो मतलब
इक्वल्स टू जीरो बोल सकता हूँ। तो c का वैल्यू मेरा जीरो, a का वैल्यू फोर, तो दिस बिक्स दैट अल्फा भी क्या इक्वल्स टू। हो गया? यस सर। लिख लो और कोई। इरेज करें आप? यस सर। अब मान लो क्वेश्चन नंबर टू में दिया गया है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद गिवन नंबर्स एट ए। ओके, अब मान लो उल्टा दिया गया है। अभी तक क्या है ना, पॉलिनोमियल इक्वेशन दे दिया गया है, उसका जीरोस फाइंड आउट करना। अब मान लो उल्टा, मतलब जीरो दे दिया गया है तो पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होगा? अल्फा एंड बीटा आर zeros of a quadratic equation, quadratic polynomial, then क्या होता है? ना then the polynomial is k into x minus alpha into x minus beta, where k is any non-zero constant. In general, हम लोग k का वैल्यू 1 ले लेता हूँ। क्लियरली जब मैं k का वैल्यू कुछ भी ले सकता हूँ, k का non-zero constant कितना है? कितना non-zero constant है बाबू? कितना constant है non-zero? इनफाइनाइट ना, बहुत सारे yes, है। तो k का इनफाइनाइट नॉन जीरो कांस्टेंट है, तो k का कोई भी वैल्यू लो, 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, माइनस 11, जो चीज है वैल्यू सब के लिए एक एक पॉलिनोमियल इक्वेशन मिले। तो ऐसे अल्फा एंड बीटा देखिए एक इक्वेशन नहीं होता है, एक्चुअली इनफाइनाइट इक्वेशन होता है। इन जनरल हम क्या करते हैं ना, k का वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। लेकिन ऐसा एक क्वेश्चन नहीं, एक पॉलिनोमियल नहीं होता है जिसका जीरो अल्फा एंड बीटा, ऐसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल रहता है जिसका जीरो होता है अल्फा एंड बीटा। k इंटू x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इज द पॉलिनोमियल फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k, वी विल गेट डिफरेंट पॉलिनोमियल इक्वेशन। k का वैल्यू 2 होगा तो एक होगा, k का वैल्यू 3 होगा तो दूसरा होगा, ऐसे करते हैं। यहाँ पे नोट करके, अच्छा बाद में लिखे ना, नोट करके लिख लो। देयर आर इनफाइनाइट पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल नहीं है, फाइनाइट पॉलिनोमियल है। आर अल्फा एंड बीटा, जनरली हम लोग क्या करते हैं ना, के का वैल्यू 1 ले लेते हैं इन जनरली, और इन जनरल वी टेक k equals to 1 जनरली लेते हैं, लेकिन 1 छोड़ के भी मैं और भी कुछ ले सकता हूँ। तो
अल्फा एंड बीटा दो जीरो होगा तो पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, पॉलिनोमियल इज एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। सर स्क्रीन ब्लर दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है बाबू, देखो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, एक इंटू एक एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो इसको कॉमन ले लेंगे तो एक इंटू अल्फा माइनस प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, सर इतना डिराइव करेंगे या सिर्फ लास्ट वाला याद रखें? हाँ क्या बोल रहे हो सर, जो सबसे लास्ट में वही याद रखें? दोनों ही याद रखो, दिस एंड दिस, तभी सम ऑफ द जीरोस मान लो दिया गया है, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है, तो ये वाला फॉर्म यूज करेंगे, तभी मान लो दे दिया गया है अल्फा बीटा डायरेक्टली दे दिया गया है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करेंगे, ये वाला x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, मुझे जिससे सुविधा होगा वो करूंगा, तो दोनों एक्चुअली दोनों इक्वल, देखो देख ही रहे एक्चुअली दोनों एक्चुअल में इक्वल, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वाला फॉर्म आ जाएगा। यस सर, इसको लिख लो पहले, हो गया है सर? स्क्रीन थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा है सर। तो तुम्हारा नेटवर्क इशू है, मेरा नेटवर्क इशू होगा तो किसी का भी अच्छा नहीं दिखाई देगा, तुम दूसरा रूम में शिफ्ट करो ना, देखो आ जाएगा, मैं इसका रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा। देखो आ जाएगा, ये क्या है, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता रहता है, कौन सा सिम है तुम्हारा, जियो या एयरटेल? जी लवली तब से ज्वाइन करने के लिए ट्राई कर रहा है, घुस रहा है, निकल जा रहा जा रही है, शायद कनेक्ट नहीं हो रहा है, क्षितिज कनेक्ट करने का ट्राई कर रहा था, अब इरेज करें इसको, इरेज करें? यस सर। तो देखो ये लास्ट लाइन अब याद है, तो मैं यहाँ से ऐसे भी बोल सकता हूँ, अगर अल्फा एंड बीटा दो जीरो होता है तो पॉलीनोमियल क्या होता, ये अल्फा एंड बीटा आर टू of the quadratic polynomial, then the polynomial equals to क्या होगा, x square minus sum of the zero alpha plus beta into a plus alpha beta is x square minus sum of zeros x plus alpha beta, मतलब product of zero, clear?
समझ गए हो? यस। देखो यहाँ से ही आ रहा है अल्फा एंड बीटा अगर जीरो होगा मतलब क्या है x माइनस अल्फा एंड x माइनस इनटू x माइनस बीटा विल बी द पॉलीनोमियल एंड दिस मींस x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा राइट ये लिख लो पहले लिख लो गया लिख लिया हो सर एक मिनट यस सर हो गया यस करे आप यस सर अच्छा यहाँ से बोलो तो उधर तो इक्वेशन आ रहा है x स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा इनटू x प्लस अल्फा तो यहाँ से कुछ कंक्लूड किया जा सकता है जीरो के बारे में सर तो मतलब ये सम दिया तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कौन सा प्रॉब्लम है x स्क्वायर माइनस of x plus constant coefficient yes of x into x plus constant theta ana yes x square minus bx plus c aise form mein hai acha dekho to यहाँ पे अगर कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव होगा तो क्या बोल सकते हैं मींस अल्फा बीटा पॉजिटिव सी बाय ए पॉजिटिव कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव मतलब सी बाय ए पॉजिटिव है ना देखो अब यहाँ से मैं कुछ कंक्लूड कर सकता हूँ रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट हमें क्या पता है देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी इफ सी बाई ए इज ग्रेटर देन जीरो इसका मतलब क्या है सी बाई ए मतलब किसका वैल्यू बताया था कौन सी बाई ए क्या मतलब बोला था रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट से सर सी माइनस बी बाय ए क्या बोल रहे थे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन जीरो अच्छा प्रोडक्ट ऑफ जीरो ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या बोल सकता हूँ दो जीरो है अल्फा एंड बीटा इसका मतलब अल्फा एंड बीटा के बारे में क्या बता सकता हूँ क्या से अगर प्रोडक्ट जीरो ग्रेटर देन जीरो होता है इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि दोनों जीरो आइदर पॉजिटिव है नहीं तो दोनों ही नेगेटिव है तब ना प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो होगा हाँ यस सर यहाँ से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ बोथ का जीरो आर मतलब बोथ जीरोज आर ऑफ सेम साइन यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ सिमिलरली अच्छा बोलो तो सी बाई ए लेस देन जीरो होगा तो क्या बता सकता हूँ बोथ जीरो ऑफ डिफरेंट साइन इसका मतलब सी बाई ए ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या है सी ग्रेटर देन
यस सर, यहाँ से एक्चुअली दो चीजें हो सकता है। C by A greater than zero मतलब यहाँ से मैं दो चीज बता सकता हूँ, either C greater than zero, A greater than zero हो और C less than zero, A less than zero हो। तो आगे है ना, देखो ये cosec है, cosec greater than zero मतलब क्या है, numerator और denominator दोनों greater than zero होगा, नहीं तो numerator and denominator दोनों less than zero होगा, दोनों ही negative होगा तो negative negative कट जाएगा, मान लो नेगेटिव फाइव नेगेटिव 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 कट जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो यहां से मैं यस सर, देखो यहां से मुझे एक केस निकल के आ रहा है, अगर मैं इन डिटेल्स को थोड़ा सा सोचूंगा तो क्या होगा, अगर सी और ए दोनों ही पॉजिटिव होगा उसका मतलब क्या है ना, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस पॉजिटिव, उसका मतलब क्या है, बोथ द जीरोस आर ऑफ सेम साइन, सेम साइन बोल रहा हूँ, मतलब बोथ कैन बी पॉजिटिव और बोथ कैन बी नेगेटिव, इसका मतलब दैट इज अल्फा एंड बीटा सर सेम साइन में तो पॉजिटिव ही होगा ना, सेम साइन में तो हर केस में पॉजिटिव ही नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होगा, हर केसेस हो सकता है, इस केस में होगा, अल्फा एंड बीटा आर आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, और बोथ नेगेटिव दोनों सेम साइन है, तो पॉजिटिव होगा तो दोनों ही पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा तो दोनों ही नेगेटिव होगा, ये दोनों ही हो सकता है क्या, क्लियर। क्लियरली देखो ना, सी बाई ए ग्रेटर देन जीरो, सी बाई ए ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या है, न्यूमरेटर भी बड़ा होगा पॉजिटिव होगा, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होगा इस केस, और यहां से न्यूमरेटर भी जीरो से छोटा होगा तो डिनोमिनेटर भी छोटा होगा जीरो से, ये दोनों केस में क्या होगा, सी बाई ए ग्रेटर देन जीरो, सी बाई ए ग्रेटर देन जीरो मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ग्रेटर देन जीरो, क्यों ना, सी बाई ए इक्वल्स टू अल्फा बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ग्रेटर देन जीरो, product of the zeros greater than zero मतलब क्या है, either both positive और both negative, short question यहाँ से ऐसे question दिया जा सकता है, formation हो सकता है, ठीक है। और दूसरा एक case, मान लो c by a is less than zero, तो c by a less than zero मतलब इसका मतलब क्या है, less than zero मतलब दो case हो सकता है, दोनों दो different sign में होगा, तो अगर C पॉजिटिव होगा तो A नेगेटिव होगा, और दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर C लेस देन जीरो होगा तो A मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, है ना। यस सर, C बाई A मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस लेस देन जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेस देन, प्रोडक्ट ऑफ जीरो लेस देन जीरो मतलब क्या, इसका मतलब मतलब दोनों जो जीरो है दो अलग अलग साइन का होगा, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, तब ना दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, समझ आया। यस सर, तो यहां से मैं बोल सकता हूं दिस इंप्लाई वो द जीरोस आर ऑफ द मीन्स एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव, देखो एक सिंपल सा चीज से कितना कुछ निकल सकता है। अच्छा, C इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, C equal to, मैं दो केस बताया हूँ, अब मान लो C by A equals to zero हो गया, हो सकता है ना, मेरे पास तीन पॉसिबिलिटी होता है, तब तो जीरो हो जाएगा, क्या जीरो हो जाएगा, C by A जीरो हो जाएगा,
ओके सी सी बाई ए जीरो हो जाएगा, मतलब देखो सी जीरो हो जाएगा क्योंकि ए नॉट इक्वल्स टू जीरो ऑलवेज, यहाँ पे तो ए नॉट इक्वल्स टू जीरो ऑलवेज है ना, तो c by a equals yes, sir. 0 means c equals to 0, that is constant term equals to 0. अगर constant term 0 होगा मतलब product of the zeros equals to 0, उसका मतलब ये होता है कोई ना कोई एक 0 of course 0 होगा, एक 0 of course 0 होगा, clear? Yes sir. देखो यहां से मैं बोलूंगा, इसको इरेज करें, लिख लिया हो तो ये सब अच्छा डिस्कनेक्ट हो जाएगा, नेक्स्ट डे ऑफलाइन क्लास में मैं बताऊंगा। तो बहुत सारे कुछ है ना, इन डिटेल्स दिया नहीं गया है लेकिन इन डिटेल्स बोल सोचेंगे तो बहुत कुछ है। सारे आरटी शर्मा का बुक में एमसीक्यू क्वेश्चन करके दिया हुआ है लेकिन इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं दिया गया, मैं बता दे रहा हूँ तो ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना। सर ये वाला का फोटो खींच के ग्रुप में भेज दीजिए। अरे वीडियो पूरा मिल जाए तो फोटो क्यों खींचना है, पूरा वीडियो ले लेना, पूरा वीडियो मिल जाएगा तुम्हें, तुम स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं